Jayin. Today's lecture, we will study IIL or I-Scale logic family, which is Integrated Injection Logic Family. Integrated Injection Logic, or it is also known as Current Injection Logic, that is CIL, is the newest of the logic family, which is widely used in large-scale integration and very large-scale integration circuits. These are the different type of integration. In small scale integration, you can use 1 to 12 gates in single chip. In medium scale integration, you can use logic gates from 13 to 99 in single chip. And in the case of LSI, large scale integration, you can use 100 to 1000 gates in a single chip. And last, in very large scale integration, you can use more than 1000 gates in single chip. फर्स्ट आई विल इम्प्लीमेंट नोट गेट विद द हेल्प ऑफ आइज केयर एल लॉजिक फैमिली अब क्लास दिस फैमिली इज ऑल्सो नॉन एज इंटीग्रेटेड इंजेक्शन और करंट इंजेक्शन फैमिली इसको ऐसा क्यों बोला जाता है क्लास दिस इज अ कॉन्स्टेंट करंट सोर्स ये जो कॉन्स्टेंट करंट सोर्स है इट विल प्रोवाइड कॉन्स्टेंट करंट दैट इज अ रीजन इट इज नॉन एज इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक फैमिली दिस इज द इनपुट ए एंड दिस इज अ ट्रांजिस्टर टी वन एंड दिस इज द आउटपुट इसकेर एल लॉजिक फैमिली फॉलो सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली वट इज मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड ये जो ट्रांजिस्टर T1 है अगर ये ऑन है तो ये सैचुरेशन मोड में चला जाएगा अगर ये ऑफ है तो कट ऑफ मोड में चला जाएगा कॉन्स्टेंट करंट सोर्स अब ये जो कॉन्स्टेंट करंट सोर्स है इसको हम पी एन पी ट्रांजिस्टर की हेल्प से लेते हैं तो दिस इज ए पी एन पी ट्रांजिस्टर वट दिस पी एन पी ट्रांजिस्टर विल डू इट विल प्रोवाइड कॉन्स्टेंट करंट अब क्लास आउटपुट अब प्रॉपर आउटपुट के लिए वी विल यूज एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर विच इज कनेक्टेड विद बीसीसी। तो दिस इज ए पुलप रजिस्टर विच इज कनेक्टेड विद बीसीसी। अब क्लास अगर इस सर्किट की आउटपुट को मैं अनदर गेट के लिए एज ए इनपुट यूज करता हूं तो उस केस में हमें आरसी और बी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी तो सिंपली इफ बी यूज द आउटपुट ऑफ दिस गेट एज ए इनपुट फॉर नेक्स्ट गेट देन देर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज आर सी एंड बी सी सी दिस ये ए पी एन पी ट्रांजिस्टर दिस विल प्रोवाइड कॉन्स्टेंट करंट दिस विल एक्ट एज ए कॉन्स्टेंट करंट सोर्स तो दिस इज अ मीटर करंट यहां पर कोलेक्टर करंट फ्लो करेगा और बेस करंट ग्राउंड में जाएगा अब क्लास बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड तो इस केस में मैं ये एज्यूम करूंगा जो मीटर करंट है वो अप्रोक्सीमेट कोलेक्टर करंट के इक्वल है एक्चुअल में क्या होता है आई सी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई ई दिस इज इनकमिंग करंट एंड दीज आर आउट गोइंग करंट तो सिंपली वट इज आई ई आई सी माइनस आई बी आई बी करंट इज वेरी लेस एंड आई एम एज्यूमिंग जो अमीटर करंट है इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कलेक्टर करंट दिस इज इनपुट ए अगर ए में मैं लॉजिक जीरो अप्लाई करता हूं जीरो का क्या मतलब लो वोल्टेज या सिंपली जीरो वोल्ट अब क्लास ये जो करंट है वो करंट कहां से आएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर इट विल एक्ट एज ए कॉन्स्टेंट करंट सोर्स ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ऐसा क्यों करेगा जीरो मतलब लोअर पोटेंशियल वो करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है जैसे ए में लॉजिक जीरो अप्लाई किया जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो टी टू है इसके बेस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैं बोलूंगा टी टू हो जाएगा ऑफ ऑफ मतलब ये मोड में चला जाएगा तो टी टू ऑफ आउटपुट क्या मिलेगी इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है तो आउटपुट अप्रोक्सीमेट बीसी के इक्वल मिलेगी तो आउटपुट इज हाई इसी तरह से क्लास अगर ए में लॉजिक बन अप्लाई करते हैं ए में लॉजिक बन अप्लाई किया बन मतलब हाई वोल्टेज अब जो करंट होगा ये जो करंट सोर्स है ये सारा का सारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सिंपली ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा ऑन मतलब सेचुरेशन में चला जाएगा और जैसे सैचुरेशन में जाएगा कलेक्टर टू ड्रॉप होगा तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो मिल रही है जीरो पॉइंट टू बोल्ट मतलब लॉजिक जीरो मिल रही है जीरो पॉइंट टू बोल्ट मतलब लोअर वोल्टेज तो जैसे ए में वन अप्लाई किया टी टू हो गया है ऑन अब इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बीसीसी माइनस जो यहां पर 0.2 पॉइंट टू बोल्ट होगा। दिस इज ए ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट नॉट गेट में अगर लॉजिक जीरो अप्लाई करते हैं तो आउटपुट वन मिलता है इसी तरह से वन अप्लाई करते हैं तो आउटपुट जीरो मिलता है अब क्लास जहां पर हम आउटपुट ले रहे हैं इट इज ए कैपेसिटी लोड और ये कैपेसिटेंस किसके कारण होती है दिस ई ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर की स्टे कैपेसिटेंस होती है बिटवीन कलेक्टर टू अटर द इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्टे कैपेसिटेंस इसी तरह से यहाँ पर जो हम डिफरेंट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं रजिस्टर ट्रांजिस्टर या वायर्स इनकी भी कैपेसिटेंस होती है तो उसको एज ए लोड हम कैपेसिटिव लोड एज्यूम कर रहे हैं और इसी तरह से इसकी आउटपुट जब नेक्स्ट गेट को ऑपरेट करेगी तो नेक्स्ट गेट की भी इंटरनल कैपेसिटेंस होती है उस कैपेसिटेंस को भी एज ए कैपेसिटिव लोड मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो सिंपली ये कैपेसिटर चार्ज होने शुरू हो जाता है थ्रू दिस रजिस्टर आर सी तो मैं क्या बोलूंगा आउटपुट हाई होने शुरू होगी थ्रू रजिस्टर आर सी तो इस आर सी रजिस्टर को बोला जाता है पुल अप रजिस्टर इस रजिस्टर के कारण आउटपुट हाई हो रही है फिर जैसे ही ट्रांजिस्टर टी टू ऑन हुआ ऑन मतलब सेचुरेशन में चला गया है जैसे ट्रांजिस्टर टी टू ऑन हुआ उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है आर ऑन रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है अनिशली आउटपुट बंद थी तो कैपेसिटर चार्ज हो चुका था जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ अब यह कैपेसिटर डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएगा मतलब जो आउटपुट है वो कम होने शुरू हो जाएगी आउटपुट लॉजिक हाई से लॉजिक जीरो होने शुरू हो जाएगी तब मैं इस ट्रांजिस्टर को क्या बोलूँगा एज ए पुल डाउन रेजिस्टेंस जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी और आउटपुट लॉजिक लॉजिक से जीरो बनेगी तो उस केस में ट्रांजिस्टर की ओर रजिस्टेंस को हम पुल डाउन रजिस्टेंस बोलेंगे तो सिंपली ये आर सी एक्ट एज ए ए पुल पुल अप और ये जो ट्रांजिस्टर है में इट विल एक्ट एज डाउन रजिस्टर दिस इज एक्चुअल सर्किट ऑफ आई आइसकेयर एल इन्वर्टर क्लास यहां पर जो टी टू ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं हम मल्टीपल कोलेक्टर आउटपुट यूज कर रहे हैं तो आई आइसकेयर एल इज ऑल्सो अवेलेबल विद मल्टी कोलेक्टर आउटपुट्स अब इन आउटपुट्स को हम नेक्स्ट गेट में एज ए इनपुट्स यूज कर सकते हैं तो वट कैन आई से आई आइसकेयर एल लॉजिक फैमिली इज अवेलेबल विद मल्टी कोलेक्टर आउटपुट्स नाउ आई विल इम्प्लीमेंट एंड गेट विद हेल्प ऑफ आई केयर एल लॉजिक फैमिली दिस इज इ लॉजिक सर्किट दिस इज ए करंट सोर्स हेयर बी आर यूजिंग टू इनपुट्स ए एंड बी दिस इज ए एन पी एंड ट्रांजिस्टर एंड हेयर बी आर टेकिंग आउटपुट्स फॉर प्रॉपर आउटपुट्स हेयर बी विल यूज जिस्टर आर सी विच इज कनेक्टेड विद बी सी सी दिस इज इक्विवलेंट सर्किट करंट सोर्स के लिए हम पी एन पी ट्रांजिस्टर यूज करते हैं दिस दिस इज़ इज़ टी टू ट्रांजिस्टर हेयर बी इनपुट्स और आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड हम लेंगे जैसे ए और बी में लॉजिक जीरो अप्लाई किया तो क्लास उस केस में क्या होगा ये जो करंट है वो इस पाथ में फ्लो करेगा इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यह जो टी टू है यह ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ मतलब कट ऑफ में चला गया तो उस केस में यह जो आउटपुट है अप्रोक्सीमेट बी सी सी इक्वल रहेगी यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सिंपली आउटपुट क्या मिलेगी हाई अब यहां पर मैं कैपेसिटिव लोड नहीं ले रहा हूं पर एक्चुअल में लोड कैपैसिटिव होता है और ये जो कैपेसिटेंस किसके कारण होती है ड्यू टू स्ट्रे कैपेसिटेंस एंड द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ अदर गेट्स विच दिस सर्किट हैज़ टू ड्राइव इसी तरह से ए में लॉजिक जीरो अप्लाई किया बी में वन अब क्लास यहाँ पर लो पोटेंशियल है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इसी तरह से इस पाथ में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यह करंट कहाँ जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो टी टू रहेगा ऑफ आउटपुट क्या मिलेगी हाई इसी तरह से अगर वन जीरो अप्लाई करते तो करंट कैसे फ्लो होना था यह जो करंट है मीटर करंट वो इस डायरेक्शन में जाना था तो सिंपली ट्रांजिस्टर टी टू के बेस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा कट ऑफ में जैसे ये कट ऑफ में जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगी बी सी सी हाई आउटपुट मिलेगी लास्ट ए में वन, बी में वन अब क्लास ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा यहां पर फ्लो नहीं करेगा यहां पर पोटेंशियल हाई है करंट ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है तो ये टी टू क्या चला जाएगा सेचुरेशन में मतलब ये ऑन हो जाएगा और जैसे सैचुरेशन में जाएगा को टू अटर तो जो बोल्ट ड्रॉप होगा वो जीरो पॉइंट टू बोल्ट होगा तो आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड जीरो पॉइंट टू बोल्ट मिलेगी मतलब लॉजिक जीरो मिलेगी यहां पर लो आउटपुट मिल रही है जीरो पॉइंट टू बोल्ट तो जैसे बन बन अप्लाई किया टी टू क्या हो चुका है ऑन तो दिस इज अ ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट नैंड गेट में अगर दोनों इनपुट हाई अप्लाई करो तब आउटपुट जीरो मिलती है रेस्ट केस में आउटपुट वन मिलती है अब क्लास ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट कौन सा है ट्रांजिस्टर टी टू के बेस में जा रहा है मतलब मैं इसको क्या बोलूँगा आई बी टू इट इज इक्वल टू जो करंट सोर्स से करंट आ रहा है डेट इज आई ई प्लस यहाँ पर हमने लॉजिक बन बन अप्लाई किया है दीज आर द बैटरी तो इसके कारण भी करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में तो डेट इज करंट ड्यू टू ए एंड बी

विद रेफरेंस टू ग्राउंड हम यहां पर ले रहे हैं इसी तरह से ये जो आउटपुट है विद रेफरेंस टू ग्राउंड इस पॉइंट पे ले रहे हैं इन दोनों आउटपुट्स को हमने इस पॉइंट में कनेक्ट कर दिया और आइसकेर एल लॉजिक फैमिली है इट फॉलो वाइड एंड ऑपरेशन वाइड एंड ऑपरेशन में क्या होता है अब ये जो आउटपुट होगी इन दोनों आउटपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होगा बाई वन डॉट बाई टू जब दोनों आउटपुट्स को इस पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया दिस इज ए वाइड एंड ऑपरेशन और आई एल लॉजिक फैमिली है इट फॉलो वाइड एंड ऑपरेशन तो इनिशियली ए और बी में लॉजिक जीरो अप्लाई किया लॉजिक जीरो मतलब लो वोल्टेज तो ये जो करंट सोर्स है पी एन पी इट विल एक्ट एज ए करंट सोर्स सप्लाई तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ये भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा T3 क्या हो जाएगा ऑफ टी भी ऑफ अब यहां पर हाई आउटपुट मिलेगी ड्यू टू दिस रजिस्टर आउटपुट हो जाएगी हाई यहां पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है तो बाई वन मिली हाई दैट इज लॉजिक बन इसी तरह से बाई टू भी हाई मिलेगी दिस इज बीसीसी यहां पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है तो बाई टू भी हाई आउटपुट हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं विद रेफरेंस टू ग्राउंड अब इन दोनों आउटपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होगा वन डॉट वन इज इक्वल टू वन तो आउटपुट क्या मिलेगी हाई नेक्स्ट ए में जीरो अप्लाई किया बी में वन अप्लाई किया तो ये जो अमीटर करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहां पर ए में लॉजिक जीरो अप्लाई किया है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है तो टी थ्री हो जाएगा ऑफ बी में वन अप्लाई किया है अब ये जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा T4 चला जाएगा में मतलब T4 फोर ऑन टी थ्री ऑफ इस पॉइंट पे आउटपुट क्या मिलेगी दिस इज ऑफ तो हाई मिलेगी लॉजिक बन इस पॉइंट पे आउटपुट क्या मिलेगी बाई टू पे अब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है सेचुरेशन में है तो सेचुरेशन में जीरो पॉइंट टू वोल्टेज मिलती है मतलब आउटपुट यहां पर लॉजिक जीरो मिलेगी अब यहां पर जेल्टेंट आउटपुट क्या होगी दोनों आउटपुट्स के बीच में एंड ऑपरेशन होगा दिस इज वन दिस इज जीरो तो आउटपुट जीरो इसी तरह से अगर ए में वन अप्लाई किया बी में जीरो अब ये करंट किस डायरेक्शन में जाएगा ये सारा का सारा यहां पर जाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टी थ्री हो जाएगा ऑन सेचुरेशन में सेचुरेशन में जाएगा तो यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी लो लॉजिक जीरो इसी तरह से यहां पर लॉजिक जीरो है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये ट्रांजिस्टर रहेगा कट ऑफ में मतलब ऑफ तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी बीसीसी के इक्वल यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है तो सिंपली यहाँ पर आउटपुट मिलेगी हाई अब यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा जीरो पॉइंट वन दिस इज ए वाइड एंड ऑपरेशन जीरो पॉइंट वन मतलब जीरो तो आउटपुट क्या मिलेगी जीरो जैसे वन जीरो अप्लाई किया टी थ्री होगा ऑन टी फोर होगा ऑफ लास्ट ए में भी वन बी में भी वन अब क्लास ये जो पी एन पी ट्रांजिस्टर है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो अमीटर करंट है इस डायरेक्शन में फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा अगेन ये भी करंट इस डायरेक्शन में ये करंट टी थ्री को किस में ले जाएगा सेचुरेशन में ये भी सेचुरेशन में तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी लॉजिक जीरो यहां भी आउटपुट क्या मिलेगी लॉजिक जीरो लॉजिक जीरो क्यों बोला सैचुरेशन में बोल्ट ड्रॉप क्या होगा कोलेक्ट्रेटो मीटर जीरो पॉइंट टू बोल्ट मतलब लॉजिक जीरो यहां पर एंड ऑपरेशन है जीरो डॉट जीरो जीरो तो आउटपुट क्या मिलेगी जीरो इस केस में दोनों ट्रांजिस्टर ऑन रहेंगे दिस इज अ ट्रूथ टेबल फॉर नोर गेट नोर गेट में क्या होता है अगर दोनों इनपुट जीरो हैं तभी आउटपुट वन मिलती है रेस्ट केस में आउटपुट जीरो मिलती है तो क्लास आई स्केर एल लॉजिक फैमिली में क्या हो रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर को एज ए हम करंट सोर्स यूज कर रहे हैं So, simply in i Square l logic family, NPN and PNP transistor are combined during IC fabrication. Hence, it is also known as MTL logic family. MTL means merged transistor logic. In I2L logic, due to integration of PNP and NPN transistors, it occupy very less area. Hence, डेंसिटी आर मोर इन आई आइसकेयर एल लॉजिक फैमिली डेंसिटी का क्या मतलब है अब सिंगल चिप में बहुत सारे कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं डेट इज अ रीजन इट इज मोस्टली यूज इन एमएसआई एंड एल एस आई लॉजिक प्रोपर्टीज ऑफ आइसकेयर एल लॉजिक फैमिली प्रोपेगेशन डिले प्रोपेगेशन डिले इज द टाइम टेकन बाई द सर्किट टू गिव आउटपुट द प्रोपेगेशन डिले इन द केस ऑफ आई आइसकेर एल लॉजिक फैमिली इज बन नैनो ओ सेकंड इट इज गुड अगर प्रोपेगेशन डिले कम होगा तो लॉजिक फैमिली अच्छी होगी द फिगर ऑफ मेरिट फिगर ऑफ मेरिट इज लाइज इन द रेंज ऑफ जीरो पॉइंट वन पीकोजूल टू जीरो पॉइंट सेवन पीकोजूल क्लास अगर फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू कम होगी लॉजिक फैमिली अच्छी होगी और ये जो आइसकेयर एल लॉजिक फैमिली है इसका फिगर ऑफ मेरिट सबसे कम होता है तो दिस इज अ बेस्ट एफ ओ एम अमंग ऑल लॉजिक फैमिलीज द फैन आउट इज एट एंड नॉइस मार्जिन इन द केस ऑफ आइस केयर एल लॉजिक फैमिली इज जीरो पॉइंट थ्री फाइव बोल्ट